हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वर्ष एन क्रिप्टो एम्परर। तो गाइस आज के वीडियो में हम यहाँ पर बीटीसी सीएचआर फेंटम माना WRX कोटी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपके जो भी डाउट है, लाइक अगर आपको यहाँ पर एंट्री लगाना तो एक्जैक्टली आपको किस पॉइंट पर एंट्री लगाना चाहिए, अगर आपको यहाँ पर सेल ऑर्डर लगाना तो आपको एक्जैक्टली स्टॉप लॉस लगाया किस पॉइंट पर सेल ऑर्डर लगाना चाहिए, तो इस तरह के आपके जो भी डाउट है अभी हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। लेकिन अगर चैनल पहली बार है, अगर आपको मॉर्निंग में डेली बेसिस पर क्विक अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बीटीसी के चार्ट को डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम है, उसके बाद में सीएचआर फेंटम माना WRX कोटी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो गाइस अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने यहाँ पर बीटीसी का 1 आवर में चार्ट ओपन करके रखा है। परसों की डेट में हमने आपको डायरेक्टली बोला था कि बीटीसी को यहाँ पर 44,500 पे हमारा माइनर रिजेक्शन देखो मिलेगा। तो गाइस रिजल्ट अभी आपके सामने है। एंड कल की डेट में हमने आपको ये भी बोला था कि 43,600 के पास में हमारे यहाँ पर सपोर्ट है, तो बीटीसी मोस्टली हमारे इस सपोर्ट पर यहाँ पर सपोर्ट लेने का ट्राई करेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको एक फेकआउट देख मिला, उसके बाद में आपको यहाँ पर सपोर्ट देख मिला है। तो अगर आप यहाँ पर इंट्री लगा के रखते हो तो गाइस जहाँ तक मेरा आइडिया, हमारे सब्सक्राइबर ने यहाँ पर इंट्री लगा ली है। अगर आपने अभी भी इंट्री मिस की है तो गाइस अभी भी हमारा जो बीटीसी है हमारे यहाँ पर सपोर्ट के पास में 43,600 के पास में, साथ में आप यहाँ पर देख सकते हो 43,500 के पास में हमारे यहाँ पर 0.382 फिबोनाची लेवल है। तो अगर आपको यहाँ पर अल्टकॉइन में एंट्री लगा के रखना तो आपको 43,500 के पास में 43,600 के पास में यहाँ पर एंट्री लगा के रखना, क्योंकि हमारे यहाँ पर 0.382 फिबोनाची लेवल भी है, साथ में हमारे यहाँ पर सपोर्ट जोन भी है। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो 42.7 के पर हमारे यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट है। गाइस जहाँ तक मेरा आइडिया, जो हमारा बीटीसी प्राइस है अगेन 42.7 के तक नहीं जाने वाला। तो अगर आपको यहाँ पर एंट्री लगाना तो आपको हमारे यहाँ पर 0.382 फिबोनाची लेवल दिखाई दे रहा है, साथ में हमारे यहाँ पर सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है, इसको फॉलो करना है। गाइस अगर आप यहाँ पर बुलिंगर बैंड से देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर बुलिंगर बैंड से देख सकते हो, जो हमारी कैंडल है पहले बुलिंगर बैंड के अपर बैंड से यहाँ पर रिजेक्शन लेते हैं, उसके बाद में आपको यहाँ थोड़ा डाउन देखने मिलता है। अगेन यहाँ पर लोअर बैंड को यहाँ पर टेस्ट करते हैं, उसके बाद में आपको यहाँ पर एक बाउंस बैक देखने मिलता है। कल की डेट में आपको हमारे यहाँ पर लोअर बैंड से यहाँ पर बाउंस बैक देखने मिला है। इन गाइस अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, इस टाइम पर जो हमारे यहाँ पर कैंडल है बुलिंगर बैंड के अपर बैंड को टेस्ट कर रही है, एंड अभी आपको यहाँ पर थोड़ा डाउन देखने मिल रहा है, हमारे यहाँ पर 20 MA को यहाँ पर ब्रेक कर रही है। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पर एंट्री लगाना है तो हमारे यहाँ पर लोअर साइड में बुलिंगर बैंड का लोअर बैंड भी दिखाई दे रहा है, साथ में हमारे यहाँ पर 0.382 फिबोनाची लेवल भी दिखाई दे रहा है, साथ में गाइज आपको हमारे यहाँ पर सपोर्ट जोन भी दिखाई दे रहा है। तो मोस्टली आपको 43,500 के पास में अगेन बाउंस बैक देखने मिल सकता है। तो अगर आप यहाँ पर एंट्री लगाना चाहते हो तो गाइज अभी आप यहाँ पर एंट्री लगा के रख सकते हो। आप में से काफ़ी लोग फिर भी सोचते हैं कि नहीं, बीटीसी का प्राइस यहाँ पर और डाउन जाएगा तब हम यहाँ पर एंट्री लगा के रखेंगे। गाइज स्टॉप लॉस के साथ में एंट्री लगाइए, उतना वरी मत होइए। ओके, तो अभी हम यहाँ पर सीएचआर के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी हमने पर सीएचआर का लाइव चार्ट ओपन किया फॉरवर्ड चार्ट में। आप यहाँ पर देख सकते हो सीएचआर हमारा एक्जैक्टली सपोर्ट के पास में, एंड कल की डेट में 2 times इसने हमारे यहाँ पर 0.548 पर, जो हमारे यहाँ पर 0.382 फिबोनाची लेवल था, उसको टेस्ट किया है। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पर एंट्री लगा के रखना है तो एक्जैक्टली आप यहाँ पर देख सकते हो 0.547 पर हमारे यहाँ पर 0.382 फिबोनाची लेवल है। तो फर्स्ट एंट्री अभी थोड़ा करंट प्राइस है, जस्ट नीचे एंट्री लगा के रख सकते हो, उसके बाद सेकंड एंट्री 0.547 पर। गाइस मैं श्योर नहीं हूँ कि अगेन इसको टेस्ट करेगा, क्योंकि इसने ऑलरेडी यहाँ पर 2 times हमारा 0.382 फिबोनाची लेवल को टेस्ट कर लिया है। तो फर्स्ट एंट्री अभी आप यहाँ पर थोड़ा करंट पैसे जस्ट नीचे थोड़ा एंट्री लगा के रख सकते हो, उसके बाद में 0.547 पर। अगर आप यहाँ पर 0.547 पर एंट्री लगाते हो तो गाइस आपको हमारे यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के रखना अराउंड 0.542 के पास में। आप में से काफ़ी लोग क्या गलती करते हैं, यहाँ पर एंट्री तो लगा लेते हैं इस एरिया के अकॉर्डिंग, लेकिन कोई भी स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको स्टॉप लॉस लगा के ही एंट्री लगाना है। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी हम यहाँ पर फेंटम के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी हमने फेंटम का लाइव चार्ट ओपन किया 1 day के चार्ट में। आप यहाँ पर देख सकते हो 1.91 पर हमारे यहाँ पर मेजर सपोर्ट है। मैंने कल की डेट के अंदर भी बोला था, परसों की डेट के अंदर बोला था कि जो हमारा फेंटम है अगेन 1.91 को टेस्ट नहीं करेगा। तो अगर आपको यहाँ पर एंट्री लगा के रखना है तो आप पार्ट में एंट्री लगा के रख सकते हो। लाइक फर्स्ट एंट्री आप यहाँ पर $2 के पास में लगा के रख सकते हो, उसके बाद में 1.95, उसके बाद में वर्स्ट केस सिनेरियो 1.90। गाइस कल की डेट में आपको एक्जैक्टली $2 तक जो हमारी कैंडल की विक है यहाँ पर देखने मिली है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपने यहाँ पर थोड़ा स्मॉल अमाउंट $2 पर लगा के रखा होगा। अगर अभी भी आपने मिस किया है तो दोस्तों आप हमारे यहाँ पर $2 के पास में थोड़ा एंट्री लगा के रख सकते हो, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पर इसको ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट के बाद में अगर यहाँ पर रिटेस्ट लेता हमारे टेन लाइन पर, तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर फेंटम में काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर पंप देखने मिले। ओके गाइस, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी हम यहाँ पर मानना के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी हमने मन्ना का लाइव चार्ट ओपन किया फॉरवर्ड चार्ट में। आप यहाँ पर देख सकते हो मन्ना को 3.11 के पास में हमारे यहाँ पर सपोर्ट है। तो गाइस कल की डेट में एक्जैक्टली हमारे यहाँ पर सपोर्ट तक तो नहीं आया, लेकिन सपोर्ट से जस्ट ऊपर उसने बाउंस बैक लिया है। आप यहाँ पर देखिए 3.11 पर हमारे यहाँ पर सपोर्ट है, लेकिन जो हमारी कैंडल की वीक है आप यहाँ पर देख सकते हो सपोर्ट से जस्ट अबो,
सपोर्ट को टेस्ट करना ही रह गया था। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो 3.17 3.16 तक जो हमारी कैंडल की विक है यहाँ पर टेस्ट करके आई है। तो अगर आपको माना में इंटर लगा के रखना है तो गाइस अभी माना यहाँ पर काफ़ी बुलिश लग रहा है, आप यहाँ पर थोड़ा मार्केट पैसे जस्ट नीचे इंटर लगा के रख सकते हो वेरी स्मॉल अमाउंट में स्टॉप लॉस के साथ में। उसके बाद में आपको यहाँ पर 3.15 3.16 के पास में इंटर लगा के रखना है। वैसे अभी आप यहाँ पर देख सकते हो माना को यहाँ पर हमारी अपर ट्रेंड के पास में 3.64 के पास में 3.67 के पास में थोड़ा रेजिस्टेंस देखो मिल सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको सेल ऑर्डर लगा के रखना है। अगर आप यहाँ पर माना में इंटर लगाते हो तो आपको 3.64 3.67 के पास में हमारे यहाँ पर ट्रेंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेल ऑर्डर लगा के रखना है। ओके गाइस, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी हम यहाँ WRX के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी हमने WRX का लाइव चार्ट ओपन किया फॉरवर्ड चार्ट में, आप यहाँ पर देख सकते हो एक्जैक्टली WRX को 0.82 के पास में हमारे पर माइनस सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो अगर आप यहाँ पर WRX में इंटर लगाना चाहते हो तो गाइस अभी करंट प्राइस में थोड़ा इंटर लगा कर रख लेना, उसके बाद में 0.82 के पास में आपको यहाँ पर इंटर लगा के रखना है। मैं आपको काफ़ी वीडियो के अंदर एंड काफ़ी हमारे ट्विटर हैंडल के पोस्ट में बोल चुका हूँ कि जो हमारे यहाँ पर WRX है WRX को काफ़ी बार इंटर लोन पंप करता है। तो दोस्तों अभी हमारे पर BTC डाउन होकर अभी पंप हो रहा है, तो इस टाइम पर हाई चांस है कि WRX नेक्स्ट कमिंग 10 डेज में 15 डेज में WRX को इंटर लोन पंप कर दे। तो गाइस अगर आपको यहाँ पर इंटर लगाना है तो थोड़ा करंट प्राइस में आप यहाँ पर इंटर लगा के रख लेना, उसके बाद में 0.82 पर एंड आपको सेल ऑर्डर लगा के रखना है हमारे ट्रेंड के अकॉर्डिंग। एंड फाइनली आपको यहाँ पर $1 के पास में हमारे यहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस जोन दिखाई देगा। तो दोस्तों आप में से काफ़ी लोग क्या गलती करते हैं, मैंने यहाँ पर $1 हमारा यहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस जोन बोला है, तो आप में से काफ़ी लोग एक्जैक्टली $1 पर यहाँ पर सेल ऑर्डर लगा के रख देंगे। गाइस आपको ऐसी गलती नहीं करना है, आपको $1 से जस्ट नीचे पार्ट में सेल ऑर्डर लगा के रखना है। लाइक आप 0.97 पर सेल ऑर्डर लगा के रख सकते हो 0.98 के पास में, लेकिन आप में से काफ़ी लोग यहाँ पर $1 पर लगाते हैं। गाइस आपको ऐसी गलती नहीं करना जो हमारे यहाँ पर WRX है अगर WRX को इंटरनल पंप करता है। गाइस श्योर नहीं है लेकिन मेरा आइडिया कि नेक्स्ट 10 से 15 डेज में हो सकता है कि WRX WRX को इंटरनल पंप कर दे। तो अगर आप यहाँ पर वेरी स्मॉल अमाउंट में इंटर लगा के रखते हो तो दोस्तों आप यहाँ पर वो चांस मिस नहीं करोगे। अगर चलो इंटरनल पंप नहीं करता तो दोस्तों वैसे भी आपको यहाँ पर इसका प्राइस काफ़ी डाउनफॉल देखने मिल रहा है, काफ़ी डाउन में देखने मिल रहा है। तो अभी आप यहाँ पर स्पॉट में इंटर लगा के रख सकते हो, उसके बाद में आपको होल्ड करके रखना है, आपको हमारे यहाँ पर $1 पर मेजर रजिस्ट्रेशन जोन दिखाई देगा। तो वैसे भी आपको इसका प्राइस में $1 तक देखो मिल सकता है, वैसे एग्जैक्टली $1 तक आपको यहाँ पर इसका प्राइस देखो मिल सकता है। तो अगर आप यहाँ पर एंट्री लगाते हो तो फर्स्ट एंट्री अभी करंट प्राइस में लगा के रख लेना, उसके बाद में 0.82 पे अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो दोस्तों आप यहाँ पर स्टॉप लॉस 0.82 से जस्ट नीचे लगा के रख सकते हो 0.80 के पास में। लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया, हो सकता है कि WRX का प्राइस 0.82 पर नहीं जाए। तो गाइस आपको इस जोन के अकॉर्डिंग पार्ट टू एंट्री लगा के रखना है 0.82 से लेके अभी 0.85 के बीच में 0.86 के बीच में। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी हमें कोटी पर हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी हमने कोटी का लाइव चार्ट ओपन किया फॉरवर्ड चार्ट में, आप यहाँ पर देख सकते हो एक्जैक्टली कोटी को 0.274 के पास में हमारे पास सपोर्ट लाइन दिखाई दे रही है। तो अगर आपको यहाँ पर कोटी में एंट्री लगा के रखना है तो एक्जैक्टली पिन पॉइंट आपको यहाँ पर 0.274 0.275 के पास में इंटर लगा के रखना है, उसके बाद में आपको स्टॉप लॉस लगाना है 0.27 के पास में। गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमारे कैंडल की विक है इस विक से आपको जस्ट नीचे स्टॉप लॉस लगाना होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो अगर 0.27 के पास में अगर आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाते हो तो बहुत ही कम चांस है कि आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो, क्योंकि अगर हमारा BTC अगेन अगर हमारे यहाँ पर सपोर्ट को हिट करता है 43,500 के पास में 43,600 के पास में तो बहुत ही कम चांस है कि आपका यहाँ पर कोटी में स्टॉप लॉस हिट हो। तो अगर आप यहाँ पर एंट्री लगाना चाहते हो तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो एग्जैक्टली 10 होर पहले जो हमारी यहाँ पर कैंडल की वीक ऑलरेडी 0.274 को टेस्ट की है। तो अगर आपको यहाँ पर एंट्री लगाना तो आप यहाँ पर हमारे सपोर्ट से जस्ट अब पार्ट में एंट्री लगा के रख सकते हो, उसके बाद में आपको स्टॉप लॉस लगाना 0.27 के पास में, उसके बाद में आपको यहाँ पर सेल ऑर्डर लगा के रखना है 0.30 के पास में। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमारी कैंडल अब बार बार में 0.27 पर यहाँ पर पहले सपोर्ट लेने का ट्राई कर रही थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 0.30 के पास में आपको हमारे यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाई देगा। तो अगर आप यहाँ पर इंटर लगाते हो तो आपको फर्स्ट सेल ऑर्डर लगा के रखना है वेरी शॉर्ट टर्म के लिए 0.30। अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहते हो तो जैसे हमारी 4 o'clock कैंडल की क्लोजिंग 0.30 से अब होती है आपको इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के नेक्स्ट सेल ऑर्डर लगा के रख देना है 0.33, क्योंकि 0.33 पर हमारे यहाँ पर नेक्स्ट रजिस्टेंस जोन है। ओके गाइस, तो आज का वीडियो हमारा इतना था। रियल में अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो अभी के भी इस वीडियो को लाइक करना। ओके, थैंक यू सो मच।